अब हम जोधपुर रेलवे स्टेशन पे है, तकरीबन क्या है, 2:15 बज गए हैं और 3:15 के ट्रेन है जो 11 बजे आने वाली थी, लेकिन अभी ये ट्रेन 3 घंटा नहीं 4 घंटा लेट है। वो तो ये पूरी ट्रिप में ये अभी तक का ये थोड़ा सा परेशानी हुआ है, बट एक हम एक रिलेटिव के घर पे रुके थे इसलिए 2-3 घंटा नींद लेके आए हुए हैं। हम लोग आ गए आखिर जैसलमेर और आज हमारा है 6th day, 6th day है राजस्थान टूर। आज हम लोग जाएंगे यहाँ से सबसे पहले फ्रेश होके सैंड ड्यून्स में, जो डेजर्ट सफारी है और टेंट है वहाँ एक दिन पूरा रात निकालेंगे। हम लोग अभी यहाँ से निकले हैं जैसलमेर दुर्ग के लिए, धूप है और उसके बाद में फिर और एक दो स्पॉट घूम के फिर 3 बजे हम डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ चमक रेस्टोरेंट है वहाँ करेंगे और ये हमको सजेस्ट किया है यहाँ पदम भाई है करके, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम भी देखते हैं, और अभी यही पूरा दिन हमको घुमाएंगे, सिटी टूर्स भी कराएंगे। इसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, आप कमेंट बॉक्स में जिसको चाहिए हम दे सकते हैं। अभी देखो हम यहाँ से जाएंगे, इसके बाद में जैसलमेर दुर्ग ये आपको ओवरऑल व्यू दिखा रहा है, इसके अंदर हम जाएंगे, 1-1.5 घंटा हम लोग स्पेंड करेंगे। मतलब इतना अच्छा नाश्ता नहीं था, आलू पराठे वगैरह खाए हमने। अभी यहाँ से हम दुर्ग के लिए निकल रहे हैं, लेकिन गाड़ी वहीं छोड़ दिया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रणभेरी एरिया है, जगह है, अगर यहीं से दुश्मन पे नज़र रखते हैं और मालूम पड़े कि दुश्मन आते हैं तो ढोल नगाड़े सब बजते हैं ताकि आगाह कर दे लोगों को। और अभी हम देखिए इस गेट में चल रहे हैं और यहाँ पूरा हवा गेट है बोला जाता है इसको, हवा गेट है क्या क्या गेट है, हाँ हवा गेट है। कुछ अमेजिंग बता रहा हूँ, देखिए जैसे पुराने भूतिया पिक्चर में जैसे कोई एंटर करता बहुत से चमगादड़ आ जाते हैं ना, वैसे देखिए चमगादड़ कितने लॉट्स ऑफ चमगादड़, रात को ही निकलेंगे, दिन में नहीं निकलते हैं। अरे बाप, जैसे ही हम हवा पोल से निकले हैं देखिए वापस गर्मी चालू हो गई है, आ गए एंजॉय कर रहे हैं। ओ देखा आप लोगों ने कैसा लगा, ये जहाँ हम खड़े हैं इसको दशहरा चौक कहते हैं और यहाँ होली प्रोग्राम और जो भी वे फेस्टिवल होते थे यहाँ सेलिब्रेट करते थे इसी चौक पे। और देखिए वहाँ वो वाइट मार्बल में रखा है वो दरबार, मतलब राजा का सिंहासन रहता था वहाँ से लोगों की, और जो सीढ़ी पे बैठते थे उनके दरबान लोग, तो उसी से उन लोग उनके सब, और पंचायत भी यहीं बैठती थी। ये आम गली है और यहाँ से ऐसी बहुत सी गलियाँ हैं, अभी हम लोग यहाँ से जैन मंदिर का जा रहे हैं, ये वहीं का रास्ता है। शॉपिंग के लिए बहुत से आप शॉपिंग कर सकते हो, अगर कहीं हम बैठे हैं कुछ हमको विनोद जी समझाएंगे, बताइए मैत्रीमणि.com नाम सुना है आपने, मैत्रीमणि.com सारे.com। पुराने जमाने में जब यहाँ घर में शादियाँ होती थी तो शादी के कार्ड घर में बांटने नहीं जाते थे, शादी का कार्ड ही घर के बाहर लगाते थे। किस परिवार से आपको इन्वाइट किया गया है, उस परिवार का नाम जैसे गोपा परिवार लिखा है यहाँ पर, क्या फंक्शन है, शुभ विवाह किसकी हुई थी, लड़के का नाम अगर पहले आ गया तो मतलब यहाँ लड़की की शादी, अगर लड़की का था तो लड़की की शादी पहले मानी जाती, कौन सी तारीख हुई थी। अब ये तब तक लगा रहेगा जब तक इस घर में अगले मेंबर की शादी नहीं होगी। कौन कहता है पहले व्हाट्सअप था नहीं, मैनुअल व्हाट्सअप पे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सबसे अच्छा नंबर, क्योंकि लोग बाहर से आते थे देखते थे हमारे विद्या जी की दुकान का, क्योंकि शादियाँ होती थी 5 साल में एक बार,
उसको यहाँ की लोकल भाषा में कहते हैं सावा। उस सावे में कंधा जो गरीब अमीर जो भी छोटा मोटा है, जो कुछ फॉसिल पत्थर के बारे में बताएंगे और भी विकास सर बताएंगे। सर दो स्टोर निकलता है शहर में, एक सी फॉसिल एक वुड फॉसिल। ये सी फॉसिल है समुद्र के जीव जंतु से बना हुआ है, ये सब सी एनिमल्स है, उस वजह से ये पत्थर काम करता है। ग्लास में पानी रखो रात को, मॉर्निंग में खाली पेट पानी पियो, ये ब्लड को डिटॉक्स करता है, साफ करता है। ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज, बीपी, शुगर, हार्ट, पल्स सब में काम आता है। ह्यूमन बॉडी में 80% डिजीज ब्लड की वजह से होते हैं। तो टिल बोन टू टिल डेथ तक, मतलब हर किसी को इसका पानी पिलाया जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हमने ये ले लिया है एक ग्लास, और अगर आपको भी चाहिए होगा तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, डिटेल्स दिया हुआ है। 400 साल पुरानी हवेली है, आज भी वैसे के वैसे मेंटेन है। ये इसको बाकी हवेली बोलते हैं ना, और यहाँ दीवान लोग रहा करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल हमको देखने मिलेगी। देखिए मैं आपको नीचे से ये बता रहा हूँ कितना फर्स्ट क्लास काम किया हुआ है। अभी जैन मंदिर देख के बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत काम देख के आए, और अब हम देखो ये किले में ही है और मार्केट में ही है दोस्तों। मार्केट भी एक तरह से मार्केट ही है, किले में मार्केट है। दुर्ग में ये शिव मंदिर लगभग 450 साल से भी ज़्यादा महारानी रत्ना देवी के नाम से बना है, रत्नेश्वर महादेव। देखो नक्काशी का काम, हर मकान के बाहर आपको ये नक्काशी मिलेंगे। बेबी इधर आ जा। फ्रेंड्स आज हमारा जैसलमेर फोर्ट का, जैसलमेर दुर्ग का घूम के हो गया है, बहुत अच्छा लगा है। आपको ये बता दूं कि ये किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज को घोषित कर दिया है वाई यूनेस्को द्वारा। और ये जैसलमेर दुर्ग, आइए राजस्थान में जैसलमेर में देखिए, एंजॉय कीजिए। आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग हमारे फैमिली के साथ आनंद एंड भवानी ब्लॉग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। अरे पधारो मारो।